हे हाय एवरीवन, ये हमारे यूपीएससी सीएससी सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को प्रैक्टिस करने के सेशंस है। जो नए लर्नर ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दें कि ये हमारे डेली सेशन चल रहे हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जो 2023 का यूपीएससी के पीवाईक्यू थे उनके कॉम्प्रिहेंशन को हम यहाँ पहले देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके आंसर खोजने की कोशिश करेंगे और फिर यूपीएससी के आंसर की से, ऑफिशियल आंसर की से इस चीज़ को मैच भी करेंगे, ठीक है। और इक्वली सभी लोग, मैंने कोई आंसर की देखी नहीं है, तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही यहाँ पे मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँगा। द लॉजिक इज सिंपल कि भैया प्रैक्टिस को कोई भी चीज़ ओवर पावर नहीं कर सकती है, कोई ट्रिक्स, स्पेशली आपके ऐसी चीज़ों में जो कि बहुत इंटरप्रिटेशन बेस्ड है। अभी आज हम थोड़ी नई अप्रोच देखेंगे, ठीक है। पहले पैसेज पढ़ने से पहले एक बार ऑप्शन हम चेक कर लेंगे, राइट, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज़ थोड़ी हेल्प करती है। अगर आप पहले ऑप्शन देख लो कि विच, ये पहला पैसेज पहले, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन चीज़ों को हाईलाइट करना जरूरी है। रिक्वायर्ड टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे, अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड पॉसिबल है, ठीक है। ऑल रिवर सिस्टम इन द कंट्री शुड बी लिंक्ड, इसे तो हटाई दो पहले, क्योंकि हमने देखा यही ऑप्शन 2022 से कॉपी पेस्ट किया है। जो लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको बताया है, यही ऑप्शन 2022 में भी था, वहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो 2023 में भी अगर आ गया ना, उसे पहले ही हटा देना, ठीक है। देन वाटर चैनल्स बिटवीन द रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ इमीडिएट पूछा हुआ है, अभी तो हमने पैसेज पढ़ना है। देन टू मिटिगेट द वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है। अब पढ़ते हैं ऊपर कि ये बोल क्या रहा है पैसेज, राइट। पॉज कीजिए, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, ये साइलेंस में पढ़ेंगे। ओके, सो देखिए ऊपर यहाँ पे वाटर स्ट्रेस की बात हुई है और यहाँ पे ये भी बात हुई है कि अर्बनाइजेशन वगैरह की वजह से आपके जो है वाटर स्ट्रेस बढ़ सकता है, समझ रहे हो। तो ये ऑप्शन को आप पहले ही हटा दो, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ सबसे पहले देखो मेन बात यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, लास्ट में ये बात देखने को मिलेगी, ठीक है। आपने जो ऊपर जो भी काम करना है उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, आपके पास डेटा होना जरूरी है, असेसमेंट होना जरूरी है रिवर बेसिन वगैरह की, ठीक है। तो मेन चीज क्या ये कह रही है कि भैया पॉलिसी लेवल पे काम करना पड़ेगा, इमीडिएट मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपका ये ए होना चाहिए था कि नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड, ठीक है, जिसमें आपके पॉलिसी डेटा वगैरह ये सब चीजें कैलकुलेट हो, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, रैशनल और प्रैक्टिकल है, राइट। ये प्रैक्टिकल नहीं है, पहले ही ऊपर पूछा है कि प्रैक्टिकल क्या है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। वाटर चैनल्स बिटवीन द रीजन ऑफ वाटर सरप्लस एंड वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड, ये पॉसिबल है लेकिन मोस्ट प्रैक्टिकल ये नहीं है, समझ रहे हो, कि वाटर चैनल आप हर जगह ही बना लो। मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, भाई ये सिर्फ वाटर क्राइसिस को मीट करने की बात कर रहे हैं ना आप, वो डेटा की गैप की जो यहाँ लास्ट में बात हुई है उसको भी ये एड्रेस नहीं करता है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ये है। बाकी देखते हैं यूपीएससी का आंसर क्या है। देन अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर दो को पढ़ते हैं, ठीक है। दिस शुड बी अप्रोच, आई थिंक ये वाली क्वेश्चन पढ़ने वाली अप्रोच हमें ज्यादा हेल्प करती है, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट इम्प्लाइड मैसेज, ठीक है, वट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, ठीक है, मतलब क्या है पैसेज का, सिंपल कि एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरिया, पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नीड ऑफ द आवर, पॉसिबल है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ओनली स्किल्ड वर्कर नीड्स,
सिर्फ स्किल्ड वर्कर का हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है आपको ध्यान में रखना है, इसे तो पहले ही हटा दो, अब बाकी लोगों ने जिंदा नहीं होना है क्या, इसे पहले हटा दो। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिड द एनविसाज्ड बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल, ये भी पॉसिबल है। ऊपर देखते हैं अब पैसेज क्या बात कर रहा है, ठीक है, अब पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज कह रहा है ओके ओके तो आपको ऊपर पता चला कि ओवरऑल बीमारियों की बात हो रही है। यहाँ देखो ये रूरल एरिया, सिर्फ स्पेसिफिकली रूरल एरिया की बात कर रहा है, इसे भी हटा दो। सिमिलरली हमने ये हटाया कि सिर्फ स्किल्ड वर्कर की नहीं भैया, बच्चों के न्यूट्रिशन की भी बात हो रही है, इसे भी हटा दो। देन लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो ही नहीं रही है, हेल्थ की बात हो रही है, समझ रहे हो, हेल्थ की बात हो रही है कि भैया हेल्थ की वजह से स्किल भी नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है, दिस इज वाई डी शुड बी द आंसर, समझ रहे हो। ऊपर आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा पीछे जाकर के पहुंच कर लो एक बार, मैंने तो पढ़ लिया। एंड मैंने ये अब अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि ये वाली अप्रोच कि पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद पैसेज, आपको क्लियर रहता है कि पैसेज में आपने ढूंढना क्या है। जैसे अभी वन सेकेंड इस चीज़ को यहाँ पे सामने आने दो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर इन द पैसेज, ठीक है, सबसे रैशनल मैसेज की बात। मैसेज मैंने आपको ऑलरेडी बोला है पॉजिटिव होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, समझ लो, सजेस्टिव होता है मैसेज हमेशा, मैसेज कभी ऐसा नहीं होता है, वो निचोड़ नहीं होता है, क्रक्स नहीं होता है, वो सजेस्टिव होता है। अब देखो यहाँ सजेस्टिव क्या चीज़ है, पहले देखते हैं। अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे पहले हटा दो, पहले ही हटा दो कि भैया सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या, इसे पहले हटा दो, ये ऑप्शन है ही नहीं। देन क्लाइमेट चेंज कॉजेज द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द कंट्री, पॉसिबल है, हालांकि ये मैसेज नहीं होता है, ये ना क्रक्स हो सकता है, ये मैसेज नहीं होगा। मैसेज मैंने बताया ये पॉजिटिव होगा हमेशा, मैसेज मैं पहले बताता हूँ, ऊपर अभी हम अगर पढ़ेंगे भी ना तो ये मैसेज नहीं होना चाहिए, राइट, और पैसेज पढ़ के भी, लेकिन फिर भी स्टैंड बाय मोड में रखो। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर आर इम्पोर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग दैम फॉर टेकिंग एडेप्टेशन डिसीजंस, पॉसिबल है अगेन, लेकिन ये क्रक्स लग रहा है, ये मैसेज नहीं है। अभी पैसेज हम ऊपर पढ़ेंगे कि पैसेज क्या है। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट शुड टेक अप विद द पॉसिबल, भाई मिटिगेशन पॉसिबल ये तो एकदम नेगेटिव सी बात कर रहा है ना, यू शुड टेक अप द क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, नहीं, यहाँ अगेन सिर्फ गवर्नमेंट की बात और मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, इस तरीके की बातें जो हो रही है, दिस दिस कैन नॉट बी द आंसर। तो इनमें से दो में से कोई एक होगा, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं भैया ये क्या बात कर रहा है ऊपर, ठीक है, पैसेज क्या बात कर रहा है ये चेक करते हैं। ऑटोनोमस एडेप्टेशन, समझ रहे हो, तो जो डी ऑप्शन हमने पढ़ा कि भैया एडेप्टेशन या मिटिगेशन पॉसिबल है ही नहीं, उसे हटाओ, ऑटोनोमस एडेप्टेशन हार्ड है इंडिया में, राइट। एडेप्टेशन इज पैरामाउंट, इज नीडेड, तो डी फिर से गया। फार्मर से कुछ परसीव करवाना है, एडेप्टेशन परसीव करवाना है,
हालांकि सिर्फ परसेप्शन इनफ नहीं होगा, इट इज इम्पोर्टेंट हाउ फार्मर परसीव द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। मेनली जो है यहाँ पे एजुकेट करने की ज्यादा बात हो रही है। तो ऊपर वाला और डी तो हमने ऑलरेडी नेगेट किया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न। नहीं भैया, है ना, ये इसका आंसर तब सी होना चाहिए, क्योंकि ये ना, ये वट इज बींग डन या फिर वट होता है, समझ रहे हो, कि क्या होता है क्लाइमेट चेंज से, उसकी बात हो रही है। मैसेज शुड बी समथिंग पॉजिटिव कि रिस्क परसेप्शन, ये देखो रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम, ये इस चीज की बात हो रही है। इसी चीज की तो ऊपर बात भी हो रही है कि भैया आपको परसेप्शन क्रिएट करना है ताकि फार्मर मोटिवेट हो सके अपने लैंड यूज पैटर्न वगैरह को चेंज करने के लिए, समझ रहे हो। सो दिस इज आओ, अब देखो यहाँ पे हमने टाइम भी सेव कर दिया, इन तीन क्वेश्चन को करने के लिए हमने अराउंड 12 ही डिस्कशन के साथ साथ सिर्फ 12 ही सेकंड 12 ही मिनट के आसपास लगाया। अभी एक दो और पैसे यहाँ पे करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशियल मैसेज, अगेन मैसेज की बात हो रही है ना, कन्वेड बाय द ऑथर। पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए कि बिजनेसिस दैट कॉज एमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर द पॉल्यूशन इन फ्यूचर। ये मैसेज हो भी सकता है, लेकिन है ना थोड़ा रॉ लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। नहीं भैया, अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए, इसे पहले ही हटा दो। वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटजी। ये पॉसिबल है, ठीक है, अभी बाकी देखते हैं। देन सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये भी पॉसिबल है, ठीक है, कि अब देखते हैं कि इसका पैसेज का नेचर क्या हो सकता है। फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए जो भी मैसेज हम यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, ओके, मतलब फ्यूचर में आएंगे मेन इसके कॉन्सिक्वेंस। ये सिर्फ बिजनेस, देखो सिर्फ बिजनेस की बात नहीं हो रही है ना, सिर्फ देखो यहाँ बिजनेस की बात तो ये, लेकिन सिर्फ बिजनेस की बात नहीं हुई है, तो इसे भी हटा दो, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि भैया पूरी दुनिया की बात हो रही है, रेकलेसनेस ना पूरी दुनिया में होगी। बिजनेस वाला ऑप्शन कौन सा था, एक मिनट यार, तू दिखाता क्यों नहीं है सामने, बिजनेस वाला ऑप्शन कहाँ गया हमारा। टेक्नोलॉजिकल चेंज अनसर्टेन इंडस्ट्रीज, ये सिर्फ पहले ही हटा दो ना, सिर्फ बिजनेस की बात नहीं हुई है, ओवरऑल बाकी रेकलेसनेस की बात हुई है, ये भी इसे भी हटा दो। The waiting to deal with the carbon emission until technology improve is not a wise strategy. ये possible है, अभी इसको देखो। Businesses, again, सिर्फ business की बात नहीं हुई है ना ऊपर। लोग बोलेंगे business की बात हुई है, business नहीं, सिर्फ business की बात नहीं हुई है, यहाँ किस चीज़ की बात हुई है भैया, overall technology, overall emission, इन सब चीज़ों की बात हो रही है, पूरी दुनिया की recklessness की बात हुई है। So A should also not be the message. Message ये है कि भैया हमें सिर्फ technology change कब आएगा इस चीज के लिए वेट नहीं करना चाहिए, हमें कुछ इमीडिएट स्टेप लेने की जरूरत है। सो दिस कैन बी एन आंसर टू दिस, ठीक है। बाकी एक 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 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, मेरा मन नहीं मान रहा है ऐसे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि पांच हो जाए अपने। ये देख लो फिर से एजम्पशन, ये एजम्पशन वाला ये बढ़िया आ गया क्वेश्चन, भैया इनमें से मोस्ट रैशनल एजम्पशन क्या होता है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है एजम्पशन क्या होता है, आप जब ये ऊपर पैसेज पढ़ेंगे उससे पहले आप क्या अज्यूम कर सकते हैं, उस पैसेज वो पैसेज का निचोड़ एक कंक्लूजन की तरह मानो या फिर आफ्टर कमिंग की तरह मानो, उससे पहले वाली जो चीज है दैट इज योर अजम्पशन। वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, अब है ना देखते हैं क्या है। इट इज जॉब ऑफ गवर्नमेंट, भाई इसे पहले ही हटा दो, जो लिमिटेड करे। आपने देखा पांच ऑप्शन, पांचों में गवर्नमेंट डाला हुआ है बीच में, कि क्या सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब है, एक तरीके से यूपीएससी अलग लेवल पे खेल रहा है, इसे पहले ही हटा दो। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो अनअटेंड, नहीं लग रहा है लेकिन देखते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लीड टू सम अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग। वेस्टर्न, ठीक है, ऊपर देखते हैं, अब पढ़ना पड़ेगा पैसेज क्या कह रहा है, बेसिकली पैसेज को पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है,
एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो वो जो तीसरा ऑप्शन था वो बुरा लग रहा है, वो नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी देखते हैं। सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस, चेंजेस इन लाइफस्टाइल की भी बात हो रही थी, कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम, तो वो जो मिशन लाइफ है उसकी बात हो रही है। बट द आइडिया अपियर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ये, यह लाइफ स्टाइल को चेंज में चेंज लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो बहुत पेसिमिस्टिक है राइटर। विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग नेग्लिजिबल इफेक्ट, देयर फॉर लीड्स टू इनर्शिया, ठीक है। एंड विद अच्छा ठीक है, मतलब इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग, भैया एनवायरमेंट, देखो इसका मतलब क्या हुआ जिसको समझ नहीं आया, भैया एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंडिविजुअल अपने लेवल पे, अगर एक एक मान लो आपने प्लास्टिक का एक पैकेट उठाया, तो इंडिविजुअल को लगता है मेरे एक पैकेट उठाने से क्या ही हो जाएगा, तो नेग्लिजिबल इफेक्ट उसे परसेप्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इनर्शिया क्रिएट होता है, इसकी वजह से लाइफस्टाइल में चेंज भी नहीं आ रहा है। विद हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। हाँ तो भैया अगर हेल्थ में, अगर आप हेल्थ के रिगार्डिंग लाइफस्टाइल चेंज लाना है, तो वो इंडिविजुअल चॉइसेस जो है आप ठीक है वहां पे इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ ना इंडिविजुअल को इम्पैक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट पूरे ग्रुप को इम्पैक्ट कर रहा है, हेल्थ इंडिविजुअल को ज्यादा इम्पैक्ट करता है, और इमीडिएट इम्पैक्ट लिटरली। एंड येट बारिंग फ्यू देयर सीम्स टू बी सेम कलेक्टिव लेथार्जी टूवर्ड्स, एंड येट बारिंग फ्यू देयर सीम्स टू बी कलेक्टिव लेथार्जी टूवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस, तो यह मतलब हेल्थ में भी लोग जो है लाइफस्टाइल चेंज नहीं ला रहे हैं। अब देखते हैं ये मतलब अजीब ये पैसेज है अपना, कि वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। हाँ एक मिनट, कलेक्टिव लेथार्जी टूवर्ड्स योर चॉइसेस, मतलब बीमारियां होंगी ही होंगी लाइकली, एक मिनट रुको, अगला देखो, ये तो हटा ही दो। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो अनअटेंड, इंडिविजुअल के एफर्ट्स हो तो सकते हैं, लेकिन उससे हेल्थ की प्रोटेक्शन एंश्योर थोड़ी ना होगी। ऊपर लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल के एफर्ट हेल्थ के उसमें आप ठीक है करवा सकते हैं, अगर हेल्थ का इशू हो तो उसके लिए इंडिविजुअल के एफर्ट को मोटिवेट इजीली आप करवा सकते हैं, ये तो लिखा है, बट उससे एंश्योर थोड़ी ना होता है कि आपके हेल्थ जो है प्रोटेक्ट होगी ही होगी। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न, वेस्टर्न वैल्यू की सिर्फ बात हुई ही नहीं है यहाँ पे, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल की बात हुई ही नहीं है, यहाँ बात हुई है कि ओवरऑल लाइफ स्टाइल ही बुरा है। सो ये पॉसिबल है, हालांकि मेरे को लगता है ठीक है हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गो अनअटेंड, ये भी इसका आंसर हो सकता है, इसकी वजह से कि विद हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक बिग डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ लिटरली, कि भैया हेल्थ के रिगार्डिंग तो आप जरूर कर सकते हैं इसमें एफर्ट्स इंडिविजुअल के लेवल पे, बट वो एफर्ट आपकी हेल्थ को इंश्योर करेंगे या नहीं, बिना ये इसकी गारंटी थोड़ी ना देगा, समझ लो। सो दिस शुड बी द, आई थिंक दिस कुड बी द आंसर, बाकी देखते हैं ठीक है। यूपीएससी के आंसर की 12वीं 12वां क्वेश्चन चेक करते हैं, 12वां क्वेश्चन चेक करते हैं, 10 10 10 10 के बाद 21, 10 11 12 कहाँ है भाई, ओ अच्छा इसके नीचे, ओके 10 11 12, 12वां क्वेश्चन क्या था, 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, अरे यार शो हो जा नीचे, ये मेरा डिवाइस आई थिंक कि क्या कर रहा है शाम से, 12वें का ए है, हमने क्या लगाया, हमने भी आई थिंक ए लगाया है, यस समझ रहे हो, ये सही बात है। तो मतलब एक एक चीज यूपीएससी ने हिंट दे दी कि जो नैरो ऑप्शन है ना पिछले 2-3 साल में, क्योंकि इजी ऑप्शन आ रहे हैं, इजी बेसेज आ रहे हैं, नैरो ऑप्शन को पहले ही साइड कर लो, उसके बाद 11वें का आंसर देख लेते हैं तब तक, 11वें का आंसर इसमें सी दिया हुआ है, 10वें का भी सी है, हमने क्या लगाया था, हमने भी सी ही लगाया है कि वेटिंग टू डील विद, समझ रहे हो, 10वें का भी सी था, कहाँ गया 10वां, 10th का भी सी ही था, हम 8th में आ गए क्या ये, अच्छा 10th शायद, हाँ 10th तो वो था यार, वो मैथ्स का क्वेश्चन था। थर्ड का क्या है, थर्ड का ये क्या लिखा हुआ है, डी आई थिंक, ये डी लिखा हुआ है, अरे यार ये अपडेट व्हेनेवर लैपटॉप अपडेट्स हुई ये ऐसे ही करता है, 3 का सी है, हमने भी सी लगाया है,
पिछले साल मतलब ईजी आए थे यार, पिछले साल ईजी आए थे, दैट मीन्स ठीक है। ये दो का डी है और एक का हमने क्या लगाया भाई, ये इसमें से लगाया कौन सा है, और लीवर ये तो हटाया हुआ है, एक का ए लगाया है, दो का हमने डी लगाया है, एक का ए दो का हमने डी लगाया है, समझ रहे हो, मतलब पांच के पांच अपने आज 5 बजे 5 ठीक हुए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। बाकी वो कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, कर लेना, बाय।